नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के शो दूध का दूध और पानी का पानी में, जो कि चंडीगढ़ आयुर्वेदा सेंटर द्वारा एक नई पेशकश है। तो आज हमारे साथ वैद्य करणवीर सिंह जी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। और आज का हमारा विषय है नाक की हड्डी का बढ़ना। तो जैसे बोलते हैं कि सर्जन बोलते हैं कि नाक की हड्डी आपकी बड़ी हुई है, तो उसका ऑपरेट करवाना क्या ये सही है कि गलत है ये चीज़ें? देखिए, अक्सर मैंने लोगों के द्वारा या हमारे जो रोगी या पेशेंट आते हैं उनसे हमेशा सुना है कि डॉक्टर ने बोला नाक की हड्डी बड़ी हुई है, इसको हम ऑपरेट करके, छोटा सा ऑपरेशन है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। और पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है रेशे से जुड़ी हुई या रेशे के कारण, वो क्या होती है, उसका रेशा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से आंखों पे प्रेशर या सिर में दर्द, आंखों में भारीपन, ये सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। तो जो ये ऑपरेशन के बारे में टिप्पणी करी जाती है, बताया जाता है, तो ऑपरेशन इसका सही रास्ता नहीं है। हमारा जो ऑथेंटिक ट्रीटमेंट या एक जो अच्छा ट्रीटमेंट है कि हम उस रेशे का उपचार करें, उस रेशे को साम्यावस्था में लेके आए, या जो इकट्ठा हुआ रेशा है जो साइनस में, मैक्सिला बोन में है, उस रेशे को किसी न किसी रूप से बाहर निकाले। ओके, जैसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है लोगों को, ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि हमें सांस कम आ रहा है, तो ऐसा बेसिकली क्या होता है, क्या उनके नाक की ब्लॉकेज वगैरह होती है, क्या होता है बेसिकली? देखो, ये भी एक बहुत आम सा बात है जो हर पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि मुझे सांस खींच के आ रहा है, या मुझे जब अपर हिल्स में जाता हूँ तो सांस लेने में दिक्कत होती है। उससे हमें यह अनुमान लगाना चाहिए कि जो रेशे का प्रेशर है या रेशा है उसमें वहां पर स्वेलिंग कर दो, जिससे ऑक्सीजन को प्रॉपरली आप नहीं ले पा रहे। उस ऑक्सीजन को कम होने से आपको ये महसूस होता है, जब हमारा खून में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हमें थकावट जैसी भी समस्या आती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि एक एयर को बहुत छोटा सा रास्ता काफी होता है वहां से पास होने। हम जो व्यक्ति हमें कहते हैं कि ऑपरेशन कराकर उस टेम्पररी मैनेजमेंट को कर लेते हैं, पर आपने रास्ता तो खोल दिया, क्या उस रेशे को बार बार ना बने या वो रेशा द्वारा उस पे ऑब्स्ट्रक्शन या ना करे, तो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? नहीं करते कुछ भी। तो वैसे रेशे के लिए हमें बेसिकली घर पे कुछ उपाय कर सकते हैं हम आयुर्वेदिक? देखो, रेशा किन लोगों को होता है? ज्यादातर जिनको कफ तसीर हो, जिनकी तस्वीर कफ प्रकृति के साथ जुड़ी हो, उनको रेशा ज्यादा बनता है। ऐसे व्यक्तियों को आलू, गोभी, भिंडी, राजमा, बैंगन, दही, चावल, पनीर, इन चीजों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, और रात को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि जो उनका कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं उससे कफ नहीं बढ़ता अगर आप इनको छोड़ते हो। और साथ ही साथ आपको इन चीजों से, जैसे आप साइनोसाइटिस की बात करें या सिर दर्द की बात करें, हैवीनेस इन आईज, गले में खराश, इन चीजों से भी राहत मिलती है। अच्छा जी, तो ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं मतलब जो हम बेसिकली यूज कर सकते हैं एज अ होम रेमेडी फॉर मतलब रेशा, इस चीज को बाहर निकालने के लिए? देखो, घर पे आपके बहुत अच्छी चीज, मैं सबसे पहले नाम लूंगा तुलसी का। हर तुलसी आंगन की, ये बहुत हमने आम सुना है। तुलसी का मेन जो अगर पत्ते हैं तो उसको आप सुबह अच्छी तरह धोकर मुंह से चबाएं, नहीं तो तुलसी रस मिलता है, उसको किसी ना किसी रूप में लें। तुलसी के साथ आपके घर में शहद है, अदरक है, दालचीनी है, काली मिर्च है, पर इनको लेने की एक मात्रा और एक तरीका पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, एक चम्मच शहद में दो चुटकी अदरक और दो चुटकी काली मिर्च डालकर अगर लिया जाए तो आपको काफी हद तक आपकी जो कफ है, जो गले में ब्लॉक्ड रहता है या छींकें आती हैं, वो चीजें की समस्या का हल हो सकता है। अच्छा जी,
और वैसे हम आयुर्वेद में और पंचकर्मा ट्रीटमेंट आप बेसिकली क्या रिकमेंड करते हो अपने पेशेंट्स को कि ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से क्योर हो जाए फ्रॉम द रूट कॉज। देखो, रूट कॉज के लिए सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमें अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति पे काम करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक शक्ति का मतलब आपका अपना इम्यून सिस्टम, उनको बढ़ाने वाली दवाइयां या ऐसे प्रोसीजर पंचकर्मा के जो रेशे को कम करें। किस तरह के? जैसे नस्यम, शिरोलेपम, उरुवस्थि, ये नाम बड़े टिपिकल है। उरुवस्थि छाती पे की जाती है या लंग्स है। नस्यम नाक में जो रेशा बड़ा हुआ है उसको ली किया जाता है। शिरोलेपम जो माथे पे एक लेप मेडिसिन का लगाने से जो कफ वहां पर इकट्ठा है साइनोसाइटिस में वो बाहर निकाला जाता है। रेशा निकलने का क्या जरिया है? आंख के आंसू, मुंह से जो सलाइवा है, या जो हैवी कफ है, जो भारी कफ है वो आपके पेट के थ्रू आपके मोशन में निकलता है। जब हम रेशा निकालते हैं बॉडी से तो आपका जो मोशन है वो स्टिकी हो जाता है। तो इससे ये समझ आती है कि आपका बॉडी का जो कफ है वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी अगर दवाइयों की बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छी देखो सीतोपलादी है, तालीसादी है, यष्टि मधु मराठी है। इन चीजों का उपयोग करने से, हम इनको सही मात्रा में उपयोग करने से आपको कफ बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इवन त्रिकटु है, त्रिकटु इवन कि आपकी बॉडी को त्रिकटु मीन्स तीन चीजें इसमें होती है, सुंड, काली मिर्च और पिपली। इन चीजों का सेवन करने से आप कफ से और कफ रोगों से पूरी तरह निजात पा सकते हैं और आपको अपनी बॉडी को इम्यूनाइज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आशा है कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। और आप YouTube में चैनल के कमेंट बॉक्स में अगर कोई और विषय पे जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और YouTube चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।